देखिए हम इस वक्त हैं रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव की कोठी पर, जहां बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि पिछले तीन दिनों से हरियाणा के सीएम जन संवाद के लिए रेवाड़ी जिले में आए हुए थे और उसको लेकर के क्रिया हुई तो जाहिर है उसकी प्रतिक्रिया भी आएगी। और आज रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने बकायदा यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीधा एक बार जानेंगे, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन्हीं की कोठी की, जहाँ तमाम पत्रकारों के बीच बैठ करके प्रेस वार्ता की जा रही है और क्या कुछ पत्रकारों से कहा है वो भी हम सुनाएंगे, और जो तमाम जो पार्षद इनके साथ आए हैं उनकी भी बात करेंगे, क्योंकि जाहिर है जो जनसंवाद यहां पर तीन दिनों तक हुआ वो जानेंगे सीधा कि आखिर रेवाड़ी विधायक किस तरीके से देखते हैं सीएम के इस कार्यक्रम को। सीधा जानते हैं, जनाब आपने आज ये प्रेस वार्ता बुलाई है, वजह क्या है? पिछले तीन दिनों से जनसंवाद यहाँ पर चल रहा था, सीएम का किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तीन दिन जनसंवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर किया और लोगों की बहुत आशाएं ये थी कि बहुत बड़ी बड़ी परियोजना की यहाँ पर घोषणा मुख्यमंत्री जी करके जाएंगे। लोगों को उम्मीद थी कि भी एम्स के शिलान्यास की तारीख मुख्यमंत्री जी बता देंगे, पर उसके ऊपर एक शब्द ना बोलकर मौन वहाँ पर रहना। रेवाड़ी नगर निगम की घोषणा करने की लोगों को उम्मीद थी कि उसकी घोषणाएं करेंगे, पर जब उनसे उसके ऊपर सवाल किया गया तो साफ तौर पर उससे इनकार कर दिया गया। रेवाड़ी बस स्टैंड के लोगों को उम्मीद थी कि बस स्टैंड रेवाड़ी के अंदर कब बनेगा, इसकी कोई तारीख दी जाएगी। धारवेड़ा के लोगों को उम्मीद थी कि जो गंदे पानी का आज वहाँ पर आ रहा है भिवाड़ी से, उसका कोई समाधान निकल पाएगा। साफ तौर पर जितने भी लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बन जाएगा, कोई भी एक परियोजना मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर नहीं देना, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि यहाँ के लोगों से कोई सरोकार यहाँ के मुख्यमंत्री जी का नहीं रहा। और निराशा के अलावा यहाँ मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं देखे गए, और इसी कारण की वजह से बीजेपी के अपने पदाधिकारियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है भाजपा से। उनके स्वयं मेरे पास फोन आए कि जी हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी अब की बार आएंगे, कि मुझे लगता है एक और दौरा उनके पास चुनाव में शायद हो जाए तो हो जाए, उसके अलावा उनका आना दोबारा यहाँ नहीं होगा। और जितनी ज्यादा निराशा उनको हुई इसी वजह से उन्होंने अपने इस्तीफा पेश कर दिए। तो सुन लिया आपने, भाजपा के कार्यकर्ता नेताओं ने, कईयों ने इस्तीफे दिए हैं, उसको लेकर के सीधा सीधा बताया जा रहा है रेवाड़ी विधायक की ओर से। और जिस तरीके का जनसंवाद कार्यक्रम था कि जाहिर है रेवाड़ी के लोगों को कुछ घोषणाएं मिलेंगी, वो तो मिली नहीं, और किस तरीके से जो जनसंवाद हुआ उसकी उपलब्धियां बकायदा गिनाई गई। लेकिन उपलब्धियां क्या रही, खोदा पहाड़, निकली चूहियां, जो लोगों को उम्मीद थी वो उम्मीद पे सीएम खड़े नहीं उतरे। आप तो पार्षद है, आप भी गए होंगे जनसंवाद में, बुलाया होगा आप लोगों को भी? जी नहीं, हमको नहीं बुलाया, लेकिन मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा था कि सीएम साहब मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी शहर में आ रहे हैं। बहुत कुछ हमने जैसे कह रहे ऊंचा बोल नीचा बोल, शहर शहर की जो गंदगी थी, हाउस के अंदर भी बोले बाहर भी बोले, मंत्री जी आए, कमल गुप्ता जी आए, वहां भी हम खूब रोए खूब बोला, कोई मसला हल नहीं हुआ। अब हमने सोचा कि सीएम साहब आ रहे हैं, हमने भगवान का शुक्र माना, चलो आज सीएम साहब आ रहे हैं, आज सारी हम आधारशिला जो भी हमारी बातें हैं वो रखेंगे। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं। हमारे प्रधान जी ने चहते चार पांच पार्षद लेके वहां चले गए, उससे मिला दे, ये हमारे वो हैं जी, हमारे वो हैं जी, तुम्हारे वो हैं जी। अरे भाई, सारे पार्षदों को बुलाया, यदि तू काम कराना चाहता है शहर के अंदर तो हम सबको बुला ना, उनके सामने पेश करो, हम बताएं क्या कमियां हैं, क्या हो रहा है शहर के अंदर। लेकिन उनको मालूम है कि ये चले गए सारे, सारा हमारा बंडा फोड़ हो जाएगा। तो सुन लिया, ये माता जी हैं जो बता रहे हैं कि अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। कार्यक्रम था जन संवाद का, आम लोगों की पीड़ा को जानने का, इलाके के लिए कुछ देने का, लेकिन पीड़ा सुनने की तो बात छोड़िए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ही इस आयोजन में नहीं बुलाया गया, और ये दर्द कहीं ना कहीं पार्षदों का झलक रहा है। आपको क्या कहा जब आप लोग गए, तो क्या आप पे क्या आपने कोई बात रखी, गए थे उस कार्यक्रम में? मेरे को तो किसी ने इन्वाइट नहीं करा, और मेरे को ये लगता है कि ये पक्षपात करते हैं। मीरपुर यूनिवर्सिटी जब सीएम सभा है उस टाइम भी किसी ने पार्षदों को इन्वाइट नहीं करा, अभी भी सब पार्षदों को इन्वाइट नहीं करा। बताते हमारा मन था सीएम साहब मिलने का ही, चलो काम तो जैसे हो रहे वैसे होंगे। वजह क्या, आप कांग्रेस समर्थक है इसलिए ऐसा नहीं है? पार्षद तो हूँ, रिप्रेजेंटेटिव मैं भी हूँ, दो नंबर वार्ड से 3500 का इलेक्शन जो हाजिर हो गया, वोटों में वोट तो लिया ही मैंने, तो उनको मिलना ही था जनसभा में, तो पर्सनली मिलना
इम्पोसिबिलिटी लाख आदमियों से। तो आम दर्शक समझ गए होंगे राजनीति किस कदर जा रही है, किस कदर भेदभाव हो रहा है, कहीं जाति पाति का होता है, कहीं पार्टीबाजी का होता है। जाहिर है ये चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, इनको भी जनता ने चुना है और इनकी भी बात सुननी चाहिए थी सीएम साहब को, लेकिन नहीं सुनी गई, उसी को लेकर के नाराजगी है। और इतना ही नहीं, भाजपा के भी कई नेताओं ने जो इस्तीफे दिए नाराजगी है, वो भी कहीं ना कहीं जो है चिंताजनक है कि लोग कैसे नाराज हैं और किस तरीके से। आप भी तो पार्षद हैं, क्यों नहीं आप गए? जनसंवाद तो आम आदमी के लिए था, ये चुने हुए लोगों के लिए जनसंवाद किया गया था। भेदभाव किया गया है, जो हमारे चेयरमैन पूनम यादव जी हैं वो सिर्फ अपने अपने आदमियों को ले गए, चार पांच आदमियों को, बाकी पार्षद को नहीं लेके गए। उसका मेन कारण ये था कि बाकी पार्षद जाते तो इस रेवाड़ी शहर की पोल खोल देते, और सीएम साहब को भी ये देखना था कि ठीक है आप गांव के अंदर आप में दौरा किया अच्छी बात है, लेकिन आपको शहर के हालात देखो, सेक्टर 3-4 रेवाड़ी शहरी कमेटी के अंदर रोज हंगामा होता है, कम से कम सभी पार्षद को बुला के पूछते कि आखिर में रोला क्या है। ये पूरा आयोजन आपको लगता क्या है, सिर्फ वाकई जनता के सुनने आए थे, ग्रामीणों के सुनने आए थे, कुछ या सिर्फ एक राजनीति है कहीं ना कहीं, क्या लगता आपको? ये कुछ सुनने नहीं आए, ये तो लिपा पोती करने के लिए आते, अगर सुनने आते तो शहर के अंदर आते, शहर के अंदर आके लोगों के पास जाके देखते कि भाई क्या समस्याएं। आज आप ये देख लो, पूरी सर्दी बीत गई, गर्मी बीत गई, जब भी पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है। प्रॉपर्टी आईडी का देख लो, जिस प्रकार सतीश खोरा यादव जी का आपके बयान सुना होगा कि 31 जुलाई तक बोला मैं सारी प्रॉपर्टी आईडी पूरी कर दूंगा। आज मैं सतीश खोरा जी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज 31 जुलाई है, अब भी इतनी आईडी पेंडिंग है, अब आप समाज को क्या जवाब दोगे कि आईडी कितनी बच रही है? तो सुन लिया आपने, ये पार्षद है लेकिन गुस्सा विधायक जी के अंदर है, क्योंकि जाहिर है इनके पिता लगातार 6 बार विधायक रहे हैं। और ये रेवाड़ी की जनता की एक खूबी है कि अगर 2014 को छोड़ दिया जाए तो लगातार इन पर विश्वास किया है, तो जाहिर है जवाबदेही इनकी ज्यादा बनती है कि तमाम जो चीजें हुई जिस तरीके से सीएम साहब यहाँ आए, उनसे जनसंवाद यहाँ पर लोगों का हुआ, तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। आपको लगता है जो तमाम चीजें आपको विधायक चुना, आपके पिता को लगातार चुना, और जो सवाल के जवाब थे वो आपको देने चाहिए थे सीएम साहब से, सीधे आप सवाल करते इलाके के लिए क्या उपलब्धियां हैं, क्या कुछ है? देखिए पिछली बार आपको याद होगा मैं बिना आमंत्रण के उनके कार्यक्रम में चला गया था, तब उन्होंने मुझे कहा था भाई आपको यहाँ पर आमंत्रण नहीं है। अब की बार पहले ही मुझे उनकी तरफ से संदेश मिल गया था कि आप यहाँ पर ना आइएगा, आपको अगर कोई बात अपनी रखनी है तो चंडीगढ़ आकर आप अपनी बात रख सकते हैं। देखिए अगर हम वहाँ पर जाते या हमारे और भी पार्षद साथी यहाँ पर हैं, सुरेश जी हैं, गिरीश जी हैं, माता जी हैं, चंदन जी हैं, शकुंतला भांडोरिया जी हैं, अगर हम सब लोग वहाँ पर जाते तो हमने अपनी बात वहाँ पर रखते, मुख्यमंत्री जी को सच्चाई से अवगत कराते, उनको बताते कि आज क्या समस्या शहर के अंदर है। आपको लगता है बिना इलाके के जनप्रतिनिधि के जनसंवाद करना, लोगों की समस्याएं सुनना, हल करने का कोई मकसद था? यह सिर्फ एक राजनीति स्टंट है, आप जाइए लोगों के बीच लाखों करोड़ों रुपए खर्च कीजिए और एक मैसेज दीजिए हम लोगों की सुनने हैं। जनप्रतिनिधि को क्यों दूर रखा गया? कि आप भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद कहते हैं हमें दूर रखा, आप कहते हैं हमें दूर रखा, फिर इसका मकसद क्या रहा? देखिए आप एक बात देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम भी जो इन्होंने किया उसमें केवल मात्र भाजपा के पदाधिकारी वहां पर मौजूद थे या प्रशासन के जो लोग हैं, चाहे सफाई कर्मचारी वहां पर हो, पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, उसके अंदर आम लोगों को तो वहां जाने ही दिया। अगर आम लोग भी वहां पर जाते तो वहां सवाल करते। हमारे यहां पर कुछ सरपंच यहां पर मौजूद है, इन्होंने जब सवाल करना वहां पर चाहा तब ये कहा गया कि भई आप सवाल नहीं कर सकते क्योंकि आप कांग्रेस के सरपंच हैं। तो सरपंच ना तो किसी पार्टी का होता है ना वो किसी का पक्ष का होता है, सरपंच तो पूरे गांव ने चुनकर भेजा है। आप तो विपक्ष के हैं विधायक, लेकिन सत्ता पक्ष के तो सांसद है, उनको तो मिलना चाहिए, तो होना चाहिए संवाद में, ताकि पता चलता इलाके की बात कि यहाँ सीएम साहब आए हैं, तमाम जो है सत्ता पक्ष के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो आम लोगों की सुन रहे हैं। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सांसद हर बार की तरह यहाँ भी नदारद रहे। पिछले दिनों में सिरसा के अंदर कार्यक्रम हुआ, वहाँ सुनीता दुग्गल जी मौजूद थी, फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर जी वहाँ थे, धर्मवीर जी बहेंद्रगढ़ भिवानी में मौजूद थे, पर यहाँ पर जहाँ आए तो हमारे सांसद हर बार की तरह लापता थे। अगर वो यहाँ पर आते तो धावड़ा के गंदे पानी की आवाज़ को वो उठाते, वो एम्स की बात रखते कि एम्स जल्दी बनना चाहिए, जो सैनिक स्कूल की आज हालत बहुत ख़राब हो चुकी है उसकी आवाज़ वो उठाते, जो बॉयज़ कॉलेज नहीं बन पाए, गर्ल्स स्कूल की जो हालत ख़राब हो चुकी है, जो आज जो गंदे पानी जो आ रहा है धावड़ा के अंदर, उसके अलावा जो टूटी सड़कें हैं शहर के अंदर, प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी के मामले में जो लूट मचा रखी है। आपको जैसे जनसंवाद में दूर रखा गया है, क्या लगता है सांसद मोदी को भी दूर रखा गया है या उनको भी इन्वाइट नहीं किया गया कि आप आइए, क्योंकि इलाके के सांसद हैं, उनको तो आना चाहिए था।
देखिए सांसद जो है वो तो बीजेपी का ही है, ये तो वो ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर उनको न्योता आने से मना किया है तो फिर तो साफ तौर पे इनकी जो गुटबाजी है वो साफ नजर आती है। अगर तीन और लोकसभा के अंदर सांसद वहां आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको तो न्योता दिया जा रहा है, वो स्वयं वहां पर नहीं आ रहे, तो मुझे लगता है उनको यहाँ की जनता से कोई सरोकार नहीं है। और ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए कि जो लोग उनकी समस्या उठाने के लिए मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं जा रहे हैं, हर बार एक साल पहले वो ये बात कहते हैं कि भाई जनता के बीच में कि मुख्यमंत्री से मेरी बनती नहीं है, मेरी सरकार में चलती नहीं है। भाई अगर आपकी सरकार में नहीं चलती है तो 3.5 साल पहले भी आप ये कह सकते थे कि मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुन रहा है। आखिरी के अंदर भी ये बात कहना साफ तौर पर दर्शाता है कि लोग इस सरकार से अब की बार इनके झांसे में नहीं आने वाले। तो देखिए झांसे में नहीं आने वाले, और ये देखिए नगर परिषद की पूर्व चेयरमैन है, आप गई, आपको वहां पे जनसंवाद के दौरान आपका जाना हुआ नहीं हुआ? नहीं जाना हुआ, नहीं कोई नोता था, नहीं जाना हुआ, कोई नहीं गया। आपको लगता है सीएम साहब आए इलाके की कोई बात की उन्होंने? यहाँ इलाके की कोई बात नहीं करी गई, ये तो लिपापोती करने के लिए आए थे। आज अगर देखा जाए तो शहर पूरा दर दर हो रहा है, इतनी समस्याएं अगर शहर के अंदर जाके देखे, अगर नगर परिषद के सामने अगर हम देते हैं तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, सेक्टरों का हाल बुरा है, पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर हमें तो क्या, जो पार्षद मौजूदा पार्षद थे उनको ही इन्वाइट नहीं किया गया, विधायक जी को इन्वाइट नहीं किया गया, क्योंकि एक इनका कर्तव्य बनता है कि जब भी कोई सांसद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, तो सीएम अगर यहाँ आता है तो उनको इन्वाइट करना चाहिए। इन्वाइट करना चाहिए था, जाहिर है इलाके की तस्वीर को देखना चाहिए था, क्योंकि ये भी चुने हुए जनप्रतिनिधि है। आप भी पार्षद हैं? मैं भी पार्षद हूँ वार्ड नंबर 15 से। किस चीज के पार्षद हैं आप, जब आपकी कहीं को सुनता नहीं, आपको नहीं लगता आप लोगों को रिजाइन दे देना चाहिए, आप सिर्फ नाम के पार्षद हैं? मैं आपको बात बताऊं, हमारी नगर परिषद, हमारी रेवाड़ी में आज ट्रिपल इंजन की सरकार है, और ट्रिपल इंजन की सरकार होते हुए भी शहर की दुर्दशा इतनी खराब हो रही है कि आदमी दो कदम भी सही ढंग से नहीं रख सकते। इस ट्रिपल इंजन के साथ साथ हमारे साथ एक शंटिंग इंजन भी जुड़ा हुआ है केंद्रीय मंत्री के रूप में, जो बैक डोर से, जो बैक गेट लगाए हुए हैं। तो देखिए ये इंजन ही इंजन है, और ये इंजन आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं, और काम कुछ होने नहीं। आप तो पंच है, सरपंच है, आप कौन से गांव के सरपंच है? मैं कड़वास गांव से सरपंच हूं। तो आपके गांव में आप गए थे अपनी समस्या रखने के लिए? मेरे गांव से मैं 3 किलोमीटर दूर गंगाई चाहिए में प्रोग्राम था सीएम साहब का, मैं ब्लॉक प्रधान भी हूँ, मैं गया था, लेकिन मेरे को माइक नहीं दिया गया। अधिकारी बोले ये तो कांग्रेस का सरपंच है, विपक्ष का सरपंच है, मुझे बात ही रखने नहीं दी गई। तो आपने रखा कि मैं तो चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, सरपंच चाहे किसी भी पार्टी से हो, तो अगर दूसरे की पार्टी का होगा तो काम नहीं होगा। मैंने तो बहुत ही जोर और हांगा लगा के सीएम साहब से रिक्वेस्ट की थी, सब लोग हंसने लग गए, लेकिन मेरे को माइक नहीं दिया गया। माइक नहीं दिया गया, आपको नहीं लगता है गलत बीज डाला जा रहा है? कल आपकी सरकार आएगी फिर आप भी इसी तरीके का करेंगे, ये करना उचित होता है? देखिए हमारी जब सरकार रही, हमने जब भी इस तरह के कार्यक्रम करे, हमने स्वयं खुद लोगों को पत्र लिखकर बुलाया कि भाई आप आए अपनी बात को रखे। देखिए मुझे लगता है चुना हुआ पदाधिकारी कोई भी हो, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जिला परिषद का मेंबर हो, वो अगर वहां पर आएगा तो अपनी बात वहां बताएगा, और उससे कहीं ना कहीं सरकार को भी फायदा होगा। अगर इनकी खामियां अगर इनको पता चलेगी मुख्यमंत्री को, तभी तो उससे कोई सबब ले पाएंगे, तभी तो उसके अंदर कोई वो ठीक कर पाएंगे। तो मुझे लगता है साफ तौर पे ये खराब राजनीति जो इन्होंने शुरुआत करी है, इसको खत्म करने का काम भी हम लोग करेंगे। तो ये जिस तरह की राजनीति हो रही है, जाहिर है इसको खत्म करना चाहिए, और ये हमने आपको पूरी तस्वीर दिखाई रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के निवास स्थान से, और यहाँ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, तमाम बातें यहाँ पे रखी गई है, ये हमने आपको दिखाया। और जाहिर है जिस तरह की राजनीति हो रही है, भेदभाव हो रहा है, ये समाज के लिए चिंताजनक है। जाहिर है जब कभी सत्ता बदलेगी तो इस तरह की तस्वीर सामने आएगी, तब पता चलेगा कि मैंने क्या किया है और आप क्या कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज़ रेवाड़ी।